आई एम सॉरी ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट देर वॉज सम डिले एंड ऑल्सो इट वॉज द डिले इन अवर लेक्चर फॉर द लास्ट मैनी डेज आई कुड नॉट अपियर बिफोर यू बिकॉज आई वॉज ऑन ड्यूटी इन डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफिस. सो टूडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक दैट इज हेल्थफुल लिविंग. दैट इज हेल्थफुल लिविंग, हाउ टू लिव विथ गुड हेल्थ. So first of all, in this is concept of environment. Environment means immediate surrounding around us. हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, जो भी things हैं, वो सब क्या हैं, हमारी environment में हैं. बेशक living हैं, बेशक non-living हैं, they are called the environment. So environment is of following types. That is physical environment. In the physical environment we have geographical environment, that is climate, surroundings, etc. And in the biological environment, our main concern is actually the biological environment, because it is related to health and it is healthful living. So the biological environment is our main concern. It is related to health. Health is the foundation of human life. It leads the man towards progress and prosperity. इससे progress भी होती है और prosperity भी आती है जब हम healthful living की बात करते हैं. तो physical environment में तो हो गया सिर्फ geographical environment, climatic environment and our surroundings. Surroundings कौन सी हो सकती हैं? आप जानते ही हैं, rocks हैं, plants हैं, soil है, रिवर है, फाउंडेशन है, माउंटेन है, वाटर है, हाउसेस हैं, स्कूल्स हैं, शॉप्स हैं, ऑफिसेस हैं, एनिमल्स, एयर एटसेट्रा. ऑल दिस इज फिजिकल एनवायरनमेंट. एंड इन द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इट इज ओनली वी कॉल इट हेल्थ. एंड देन द थर्ड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट वी हैव सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट, इसमें क्या आएगा? फैमिली आ जाएगी इसमें, सोसाइटी आ जाएगी इसमें, कस्टम्स आ जाएंगे हमारे, रिलीजियस बिलीफ्स आ जाएंगे, हम जो विश्वास करते हैं धर्म के ऊपर, फेथ आ जाएगा और हैबिट्स आ जाएंगी. दे आर ऑल इंक्लूडेड इन इट. ये सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. देन वी हैव फोर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज economic environment. After this I can show you here also we have social and cultural environment, then we have economic environment. And economic environment, this is economic environment. Economic environment, economic situation kaisi hai, wahan ki occupation kaisa hai logon ka, and method of living kaisa hai, ye sab iske andar aayega. इकोनॉमिक के अंदर क्या होगा, इसमें इन दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट क्या आएगा, द इकोनॉमिक सिचुएशन, ऑक्यूपेशन एंड मेथड्स ऑफ लिविंग दे फॉल अंडर दिस हेड. कैसे लोग रहते हैं, कैसी उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन है, पैसा कितना है उनके पास, क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, झुग्गी झोंपड़ी में है या मजदूरी करते हैं या क्लरिकल जॉब में है या क्या है, ऑफिसर लेवल पर है, कैसे उनकी, तो वो उनका एनवायरनमेंट बन जाएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. तब एक दो व्यक्ति हैं, वोल्टमर एंड एसलिंगर. वोल्टमर एंड एसलिंगर ने एक डेफिनेशन दी है हेल्थ के बारे में. हेल्थ इज कंसिडर्ड एज दैट मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन. हेल्थ जो है वो मेंटल कंडीशन भी है, फिजिकल कंडीशन भी है. आदमी मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और फिजिकल रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए. हट्टा कट्टा तो है लेकिन दिमाग नहीं चलता, दिमाग खराब है तो मेंटल सिचुएशन खराब है. मेंटली ठीक है और फिजिकली वीक है तो सब भी कुछ काम नहीं कर पाएगा. सो इट इज दैट फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन इन विच ए पर्सन इज फंक्शनली वेल एडजस्टेड. फंक्शनली वेल एडजस्टेड है, फंक्शनली तभी होगा जब दोनों तरह से ठीक होगा, मेंटली भी फिजिकली भी. वेल एडजस्टेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली, अंदर से भी है
अंदर से भी दिल करता है काम करने का उसका, और शनि देखने में भी अच्छा है, सुंदर है, एज कंसर्न टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से संबंध रखने वाला व्यक्ति मेंटली और फिजिकली दोनों कंडीशंस में अच्छा है, तो ऐसे को हम बोलेंगे एक हेल्दी पर्सन। सो दिस इज द हेल्थ एंड वोल्टमर एंड एसलिंगर डेफिनेशन वाज दिस वन। साक्षी फिर लकी हिल ने ठीक तरह बैठो ना, क्या हुआ? और हिमांशु भी कुछ गड़बड़ कर रहा है इधर उधर, प्लीज बी सीरियस एंड लिसन टू माय लेक्चर। सो हेंस वी कैन से दैट एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच इंटरेक्ट विद ईच अदर। जितनी भी लिविंग चीजें हमारी आसपास हैं, घर के अंदर हैं, जितनी नॉन लिविंग चीजें हैं घर के अंदर बाहर, वो सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड वी कैन से एनवायरमेंट। एनवायरमेंट ये डायग्राम बनाइए, देखिए थोड़ी सी होम है, होम में दो हिस्से होंगे, लिविंग नॉन लिविंग। लिविंग में आ गया मैन, फैमिली, पेट्स। पेट्स कौन से होते हैं? जैसे डॉग है, गाय, कौ है, घर में पाल रखी है आपने, हॉर्स पाल रखा है, तो दे आर द इन द लिविंग। नॉन लिविंग में क्या है? फर्नीचर है घर के अंदर, गुड्स हैं, सामान है, किचन का सामान है, गैजेट्स हैं। गैजेट्स क्या होते हैं? जैसे फ्रिज है, केटली है आपकी, माइक्रोवेव है, दे आर कॉल्ड गैजेट्स। व्हीकल्स हैं, स्कूटर है, कार है, घर के पास आपके अंदर आपके पास जो रखी हुई आपने, तो होम के अंदर आ जाते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग। देन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये भी इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि फैमिली है तो तभी व्हीकल होगा, मैन है तो तभी गुड्स आएंगी, इसलिए सब कुछ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। देन वी हैव सराउंडिंग्स, सराउंडिंग में भी वही होगा, लिविंग नॉन लिविंग, थोड़ी स्पेस कम थी इसलिए लिविंग यहां लिख दिया मैंने, नॉन लिविंग यहां लिखा है। लिविंग में क्या आएगा? वहां तो थे मैन और फैमिली मेंबर्स है, यहां बाहर के लोग आ जाएंगे, पीपल। पीपल के बाद आ जाएगा एनिमल्स आ जाएंगे, यहां पेट्स थे, पेट्स तो घर के अंदर ही हैं, एनिमल्स बाहर भी हैं, घूम रहे हैं, प्लांट्स हैं वहां पर बहुत सारे, तो ये सब क्या हो गए आपके? लिविंग हो गए। और नॉन लिविंग में क्या आ जाएंगे? ऐसे यहां आना चाहिए था नॉन लिविंग, लेकिन जगह नहीं है, तो नॉन लिविंग में आ जाएगा रोड, सड़कें आ जाएंगी, बिल्डिंग्स, सॉयल, मिट्टी आ जाएगी, पार्क्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। ये मैंने बहुत कम लिखे हैं, मैनी थिंग्स आर देयर, सो यू कैन राइट मैनी थिंग्स इफ यू वांट। नॉन लिविंग, फिर लिविंग और नॉन लिविंग में आपस में इंटरेक्शन होगा। ये था होम में आपस में इंटरेक्शन, ये लिविंग नॉन लिविंग में आपस में इंटरेक्शन, फिर होम और सराउंडिंग्स में इंटरेक्शन हो जाएगा, होम एंड सराउंडिंग में इंटरेक्शन हो जाएगा, सो देयर विल बी इंटरेक्शन ऑल ओवर। सो एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये आपको दिया गया है इसमें। कल्पना ठीक तरह बैठो, क्या हो गया? हिलना जरूरी होता है, हैं? इधर देखो, ध्यान दो अपना, और ये विषय तुम भी नहीं देख रहे हो, ध्यान से सुनो। देन वी हैव अनदर पार्ट ऑफ इट, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंट। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनसे एनवायरमेंट अफेक्ट हो जाता है, प्रभावित हो जाता है जिनसे? ऐसे बहुत से फैक्टर हो सकते हैं जिनसे एनवायरमेंट प्रभावित होता है। पहला है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट क्या मतलब? ग्रोथ मैंने, और रिप्रोडक्शन पैदा होना नए बच्चों का, ग्रोथ मैंने बढ़ना, विकास होना उनका, डेवलपमेंट भी विकास ही हो गया। सो ऑल लिविंग बींग्स ग्रो एंड डेवलप ड्यू टू दिस एनवायरमेंट इज अफेक्टेड ए लॉट। क्यों? दे स्पॉयल द एनवायरमेंट, तो ड्यू टू रिप्रोडक्शन द पॉपुलेशन ग्रोज एंड हेल्प इन स्प्रेडिंग पॉल्यूशन एंड अफेक्टिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट सारा अफेक्ट हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है सारे में, क्योंकि हम ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चों को। Then we have over exploitation factor, one of the factors can be over exploitation of natural resources.
नेचुरल सोर्सेज कौन से होते हैं? वुड है, लकड़ी जलाने वाली, टिम्बर है जिससे कि हम मकान बनाते हैं, दरवाजे खिड़कियां, टिम्बर वुड बोलते हैं उसको, स्टोन है, लाइम है, फ्रूट्स हैं खाते हैं हम, मिनरल्स हैं, ऑयल को यूज करते हैं वो भी कहाँ से निकलता है, अंडरग्राउंड होता है ऑयल, नेचुरल गैस भी है जिससे कि आपके घर में गैस चलती है। सो ऑल दीज थिंग्स ये उनको हम ओवर एक्सप्लॉयट करते हैं। ओवर एक्सप्लॉयट का मतलब जितनी है उससे ज्यादा खर्च करने की वो कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज जो होंगे दे आर यूज्ड अ लॉट, पीपल रिक्वायर वुड, पीपल रिक्वायर स्टोन, दे रिक्वायर टिम्बर वुड, दे रिक्वायर फ्रूट्स, नेचुरल गैस, ऑल दीज रिसोर्सेज आर डिक्रीजिंग डे बाई डे, कम होते जा रहे हैं और अब अर्जेंट नीड है कि हम अल्टरनेट रिसोर्सेज को ढूंढें, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे सन है उसकी एनर्जी लें, या सी है, समुंदर है उसकी एनर्जी लें। तो नेचुरल रिसोर्सेज की जगह अब अल्टरनेट रिसोर्सेज हमें ढूंढने पड़ेंगे। एयर है, आपने सुना होगा पंचचक्की, हवा से चक्कियां चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उससे। थर्ड पॉइंट फैक्टर अफेक्टिंग द एनवायरमेंट इज रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, आदमी का भी रोल है बहुत ज्यादा। आदमी एक्सप्लॉयट करता है, डिस्टर्ब करता है नेचुरल एनवायरमेंट को। ह्यूमन बीइंग जो है दे लिव इन देयर अर्थ एंड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सप्लॉयटिंग एंड डिस्टर्बिंग द नेचुरल एनवायरमेंट, और डिस्टर्ब करते हैं एनवायरमेंट को। देन देयर आर नेचुरल डिजास्टर्स, ये आपको पढ़े हुए थे डिजास्टर्स आपने, एक मैन मेड डिजास्टर थे, एक नेचुरल डिजास्टर थे। और नेचुरल डिजास्टर में कौन कौन से आते थे? जैसे मैंने बताया था आपको उस टाइम फ्लैश फ्लड है, अर्थक्वेक है, और हाई स्पीड स्टॉर्म है, लैंडस्लाइडिंग है, क्लाउड बर्स्टिंग है, हैवी रेन है, ऑल दे स्पॉयल द एनवायरमेंट, सारा एनवायरमेंट स्पॉयल हो जाता है उनसे जब वो इधर उधर नुकसान पहुंचाते हैं, तो नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। तो इससे भी एक एनवायरमेंट है जो है वो आपका अफेक्ट हो जाता है। देन फिफ्थ इज वेरियस काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, कई तरह के पोल्यूशन भी हो रहे हैं जो कि कर तो आदमी रहा है, लेकिन इवन देन वेरियस काइंड्स ऑफ पोल्यूशन है, तो उससे क्या होगा? ह्यूमन एक्टिविटी से होते हैं वो, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल वी कैन से जो आपका पोल्यूशन है इट इज प्रोड्यूस, नेचुरल पोल्यूशन इज क्रिएटेड, वाटर है, सॉयल है, एयर है, नॉइज है, ऑल दीज टाइप ऑफ पोल्यूशन आर देयर। और एक और इंसान भी करता रहता है, फूड अडल्ट्रेशन, फूड में कुछ ना कुछ मिला देता है। अब देसी घी है तो उसके अंदर दूसरा घी मिला दिया, मसाले हैं तो उसके अंदर कुछ मिला दिया, हल्दी है तो उसके अंदर मिट्टी डाल दी, कुछ और डाल दिया पीला, तो उससे क्या होगा कि आपका एनवायरनमेंट सारा खराब हो जाएगा। क्योंकि इंसान ही नहीं जब ठीक तरह से रहा, डिसीज हो गई इंसान को, इंसान जो है वो बच्चों को बीमारियां हो गई वो सफर करेंगे और उनकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी तो बीमारियां भी फैलेंगी। सो वेरियस काइंड्स ऑफ जो पोल्यूशन है ये भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं इंसान को। आफ्टर दिस वी हैव स्कोप ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र क्या है, कहां तक एनवायरमेंट की हम बात कर सकते हैं। सो एनवायरमेंट इज ए वास्ट फील्ड, इतना स्कोप है कि वास्ट फील्ड है, बहुत वास्ट है। ए पर्सन नीड्स हेल्दी एनवायरमेंट फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बर्थ से लेकर डेथ तक हेल्दी एनवायरमेंट चाहिए, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सबके लिए एनवायरमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि एनवायरमेंट से ही, अच्छे एनवायरमेंट से ही हेल्दी लोग होंगे, और मेंटली भी और सोशली भी और फिजिकली भी वो हेल्दी होंगे। अंकिता, सपना, बी सीरियस, ठीक तरह से बैठो, हंस क्यों रहे हो भाई? हंसने की कोई बात नहीं है इसमें, आपको पढ़ना तो है ही है,
इसलिए जितना सीरियस होके पढ़ोगे उतना अच्छा है, खेल खेल में पढ़ोगे और भी अच्छा है। अगर खेलों खेल आपको अच्छे लगते हैं, खेलना अच्छा लगता है, चाहे वीडियो गेम्स हैं चाहे दूसरे हैं, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट होता है उसमें। पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट नहीं होता, पढ़ाई में अगर आप इंटरेस्ट बना लो तो ये भी खेल खेल में बहुत अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी तब। सो एनवायरमेंट के स्कोप को हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। वन इज लिविंग एनवायरमेंट, वन इज वर्क प्लेस एनवायरमेंट, वन इज एनवायरमेंट ऑफ लेयर एक्टिविटी एरिया। क्या हम लिविंग एनवायरमेंट, जहां रह रहे हैं हम, अपने घर में रह रहे हैं, लिविंग एनवायरमेंट है। वर्क प्लेस एनवायरमेंट, जब हम नौकरी पर जाते हैं, कहीं वर्क करने जाते हैं, मे बी फैक्ट्री, मे बी ऑफिस, मे बी फील्ड, दैट इज कॉल्ड वर्क प्लेस एनवायरमेंट। एनवायरमेंट ऑफ लेयर एक्टिविटीज एरिया, ऐसा एरिया जहां पर हम लेयर एक्टिविटीज करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, या और कोई गेम्स खेलते हैं, या कोई हॉल जिसमें कि कल्चर प्रोग्राम चलते हैं, ऐसे को बोलते हैं एनवायरमेंट ऑफ लेयर एक्टिविटीज एरिया। वो एरिया, वो प्लेस जहां की लेयर एक्टिविटीज होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लिविंग एनवायरमेंट। लिविंग एनवायरमेंट क्या होता है? जहां हम रह रहे हैं, मैंने कहा था, वेयर वी लिव एंड परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज, हम अपनी जितनी एक्टिविटीज हैं उसको परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं लिविंग एनवायरमेंट। बेसिक एक्टिविटीज हैं आपकी लाइफ की, वहाँ पर जैसे ड्राइंग रूम है घर का आपका, किचन है, ड्राइंग रूम है, और कम्युनिटी सेंटर है कोई आसपास जहाँ की आप रोज जाते हैं, ए मैरिज पैलेस है जहाँ मैरिज होती है, प्लेग्राउंड है, और शॉप है कोई, ये ऑल आर लिविंग एनवायरनमेंट के प्लेसेस हैं। और इसको हम फिर दो डिवाइड कर सकते हैं आगे दो हिस्सों में लिविंग एनवायरनमेंट को। वन इज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड अदर इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो लिविंग एनवायरनमेंट में कहता है कि क्लीन एयर होनी चाहिए, डस्ट फ्री एरिया होना चाहिए, प्रॉपर सनलाइट होनी चाहिए, क्लीन टॉयलेट्स होने चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, पीने का पानी शुद्ध हो, सबसे इंपॉर्टेंट है आज। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब अंदर, एक्सटर्नल का मतलब आसपास का, घर के आसपास। इंटरनल एनवायरनमेंट, इट इज द एनवायरनमेंट इनसाइड द हाउस, घर के अंदर का, जैसे क्लीनलीनेस ऑफ द हाउस, वेंटिलेशन प्रॉपर इन द हाउस रूम्स, फूड हैबिट्स कैसी हैं आपकी, खाने पीने की आदतें, बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स का कैसा बिहेवियर है बच्चों के साथ, एंड अदर स्टाफ मेंबर्स, अदर जो मेंबर्स हैं घर के, उनका कैसा बिहेवियर है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं है, लिविंग स्टाइल क्या है, यानी कि 11 बजे उठ रहे हैं और फिर उठे नहाए धोए या नहीं नहाए धोए, ब्रेकफास्ट कर लिया और ऐसे ही शाम हो गई। तो इंटरनल एनवायरमेंट घर का बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड एनवायरमेंट। व्हाट इज आउटसाइड एनवायरमेंट, क्या है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ऐसे ही पढ़ लेते हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट इट मीन्स द एनवायरमेंट आउटसाइड एंड नियर बाय, घर के बाहर आसपास। लोकेशन ऑफ द हाउस, घर कहाँ पर है, लोकेट, घर नीचे नहीं होना चाहिए, थोड़ी ऊंचाई पर होना चाहिए ताकि पानी वानी वहां पर ना आए, बरसात का पानी है कोई और है तो वो आसपास से निकल जाए, रेज्ड होना चाहिए, लैंड जो है ऊपर को होनी चाहिए, और कोई ताकि कोई बीमारी ना आए। एक बस स्टेशन के पास नहीं होना चाहिए, क्रिमेशन ग्राउंड के पास नहीं होना चाहिए, और रेलवे स्टेशन के पास नहीं होना चाहिए, लोकेशन। फिर उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, हाउस की कंस्ट्रक्शन कैसी है, मटेरियल यूज कैसे किया आपने, ये शुड बी गुड क्वालिटी मटेरियल होना चाहिए, फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, नींव बड़ी अच्छी होनी चाहिए। हाउस शुड बी कंस्ट्रक्टेड थ्रू आरसीसी बीम्स, आरसीसी बीम्स होने चाहिए, आरसीसी बीम्स में पहले बताया था, जिसमें कि सीमेंट और कंक्रीट ही डलती है, और साथ में सरिया डलता है, तो आरसीसी स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, पिलर्स खड़े कर देते हैं, पहले भी आपको बताया था मैंने, चारों तरफ नीचे नींव में पहले
और बीम बनाते हैं और फिर उसके बाद पिलर्स बनाते हैं और पिलर्स के ऊपर फिर बीम बनाते हैं, उसको बोलते हैं आर्चिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रांग हाउस होता है इसमें कि किसी तरह का भी जो सिस्मिक फ्री होता है, भूचाल जब आता है तो ये टॉलरेट कर लेता है उसको। तो कंस्ट्रक्शन अच्छी होनी चाहिए, प्योर एंड क्लीन वाटर होना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्योर होना चाहिए, साफ शुद्ध होना चाहिए, गंदा पानी ना पिए। बेशक हो सके तो घर के अंदर कोई फिल्टर लगाया जाए या कुछ लगाया जाए। रिमूवल ऑफ गार्बेज एंड डर्टी वाटर, जो रिमूवल है गार्बेज या डर्टी वाटर, उसको निकलने के लिए स्थान होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, और गार्बेज को फेंकने की जगह होनी चाहिए। नहीं मिले तो एक पिट खोद करके पिट को डिक करो और उसके अंदर डाल डाल दिया उसको, फिर उसका बाद में खाद बन जाती है उसको। तो एंड और किचन का वाटर, टॉयलेट का वाटर निकलने के लिए नालियां होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज होनी चाहिए। क्लीनलीनेस और सराउंडिंग, आसपास की जो सराउंडिंग्स है वो भी साफ होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, घास घूस लगा हो आसपास आपके, और ताकि अंदर भी वही वातावरण रहे, बाहर भी वही वातावरण रहे, फाउल स्मेल नहीं आती कोई फिर, और एयर जो है वो डिसीज नहीं फैलाती, कोई पोल्यूटेड एयर अंदर नहीं आती। तो डिसीज कैन नेवर एंटर अगर बाहर का भी साफ होगा, मक्खियां नहीं आएंगी अंदर, मॉस्किटो नहीं आएंगे अंदर, तो इससे डिसीज नहीं फैलेगी। एंड नेक्स्ट इज योर सेपरेट प्लेस फॉर पेट्स। पेट्स जो आपने कुत्ता, गाय, खरगोश, बिल्ली पाल रखी हैं, वो भी घर से मतलब कमरे के अंदर, उनके लिए जगह अलग होनी चाहिए, ये नहीं कमरे के अंदर ही हो। कई लोग तो बिस्तर में सुला लेते हैं उनको, कुत्तों को भी और खरगोश को भी बिल्ली को भी। नो, उनमें कई प्रकार की डिसीज हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो उनके लिए एक सेपरेट प्लेस बने, घर के अंदर ही हो बेशक, तो एक सेपरेट प्लेस बने, लेकिन उनको अपने साथ मत सुलाइए, अपने साथ मत रखिए, उनकी क्लीनलीनेस का ध्यान रखिए। अगर पेट्स हैं तो उनको, उनकी भी सफाई करें आप। जो लोग जो हैं वो एनिमल्स को साफ नहीं करते हैं, पाल लेते हैं लेकिन साफ नहीं करते। अब कुत्ता है तो उसको नहलाइए रोज, ऐसे ही बिल्ली है आपका, रैबिट है, किसी को भी पाल रखा है आपने, गाय भैंस, उनका भी ध्यान रखें, वो भी पेट्स में आ जाते हैं। तो पेट एनिमल्स मस्ट बी केप्ट नीट एंड क्लीन एंड प्रेफरेबली अवे फ्रॉम द हाउस। देन वी हैव स्प्रिंकलिंग ऑफ केरोसिन इन ड्रेन्स एंड पिट्स। जो घर के बाहर ड्रेन्स हैं, नालियां हैं या पिट्स, उसमें पानी अगर आ गया है उनके अंदर, तो उसमें केरोसिन को छिड़क कर रहे हैं रेनी सीजन में पार्टिकुलरली, क्योंकि उसमें मॉस्किटोज आ जाएंगे एंड मॉस्किटोज दे मे देन स्प्रेड द मलेरिया और डेंगू। सो स्प्रिंकलिंग केरोसिन इज मस्ट इन द ड्रेन्स एंड पिट्स नियर बाई द हाउस। देन वी हैव एनवायरमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी वही होते हैं देखा जाए तो, क्या है उसमें, एक तरह से लिविंग एनवायरमेंट में ही है, क्योंकि बच्चे 6-8 घंटे वहीं रहते हैं स्कूल के अंदर, फिर घर आते हैं, तो उसमें भी वही चीजें हैं वैसे तो, लेकिन पर फिर भी थोड़ा सा फर्क हो सकता है। एनवायरमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फिजिकल एनवायरमेंट, इमोशनल एंड मेंटल एनवायरमेंट, दो तरह का एनवायरमेंट होगा। फिजिकल, फिजिकल में वही बिल्डिंग आ जाएगी, सिचुएशन ऑफ द बिल्डिंग कैसी है, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं उसमें, संख्या के अनुसार है कि नहीं है, शेप ऑफ द बिल्डिंग ई और एच, बिल्डिंग की शेप ई टाइप होनी चाहिए या एच टाइप होनी चाहिए, कुछ कुछ इधर आपके रूम्स, कुछ इधर रूम्स, बीच में रास्ता हो जाने का, एच टाइप हो गया, ऐसे ई टाइप भी हो सकती है, ई टाइप। सेपरेट रूम फॉर ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी, जोलॉजी, जो भी है, उनका सेपरेट रूम होना चाहिए। सेपरेट रूम फॉर द प्रिंसिपल का रूम अलग होना चाहिए, स्टाफ रूम अलग होना चाहिए, मैनेजमेंट के लोग आते हैं अगर उनका, उनके लिए अलग कमरा हो। SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, आपने पहले सुना था, एक दो मीटिंग हमने की थी,
उसके माता पिता जिसमें होते हैं, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी उसका प्रेसिडेंट है, उसका कमरा होना चाहिए और गेस्ट के लिए एक कमरा होना चाहिए कि आगे वो बैठ सकें। मान लो टीचर से मिलने आए, टीचर बिजी है तो गेस्ट जो है वो गेस्ट रूम में बैठ गए। एक बड़ा हॉल होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, लैब्स होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्यूटर लैंग्वेज एंड मैथ्स, ऑल दीज आर द एनवायरमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मैं बिल्डिंग की बात जहाँ तक है ये है। बिल्डिंग के बाद फर्नीचर कैसा होना चाहिए, एनएफ डेस्क होने चाहिए, वन सीटर टू सीटर थ्री सीटर डेस्क हो ताकि सेट हो सके। मान लो आपके पांच डेस्क लग सकते हैं तो तीन इधर दो इधर, मान लो तीन ही डेस्क लग सकते हैं तो दो इधर एक इधर, तो वन सीटर भी लग सकता है, टू सीटर भी, थ्री सीटर भी। टेबल होनी चाहिए, चेयर होनी चाहिए, लेक्चर स्टैंड होना चाहिए हर कमरे में, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए विजिबल टू द स्टूडेंट्स ताकि सब देख लें, ऐसी जगह लगा होना चाहिए। साइज ऑफ डेस्क क्या है और उनकी सेटिंग कैसे करनी है मैंने बता दिया आपको। एयर एंड लाइट, और कमरे जो हैं एयरी होने चाहिए, लाइट होनी चाहिए उसमें, प्रॉपर लाइट प्रॉपर एयर। एक तो इससे क्या होगा, फ्रेश रहेंगे बच्चे सारा दिन, दूसरे उनकी आईज पर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो प्रेशर ऑन देयर आईज। देन वी हैव यूरिनल्स एंड टॉयलेट्स। यूरिनल्स और टॉयलेट्स भी साफ सुथरे होने चाहिए और ठीक होने चाहिए। देर शुड बी सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए फॉर बॉयज एंड गर्ल्स स्टाफ, स्टाफ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग। गर्ल्स टॉयलेट शुड हैव इंसिनरेटर, जो इंसिनरेटर फॉर डिस्ट्रॉइंग पैड्स, जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो मेंस्ट्रुएशन में दे यूज पैड, गर्ल्स जो होती हैं तो उस पैड्स को कहाँ फेंकें, उसको जलाना चाहिए, बर्न करना चाहिए, और उसके लिए एक मशीन है इलेक्ट्रिकल जिसे कहते हैं इंसिनरेटर। आपके स्कूल में भी लगे हुए हैं, गर्ल्स टॉयलेट में और लेडीज टॉयलेट में, तो इंसिनरेटर होना चाहिए फॉर डिस्ट्रॉइंग द पैड्स। फैसिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, वॉश बेसिन होना चाहिए, सोप होना चाहिए, सोप हाथ धोएं ताकि आप बार बार, आजकल वैसे भी कोरोना टाइम है तो बार बार हाथ भी धुलते हैं, सोप वॉशिंग वॉश बेसिन होना चाहिए जहां हाथ धुल सकें, और फैसिलिटी फॉर वाटर, वाटर होगा तभी हाथ धुलेंगे नहीं तो फिर धुलेंगे नहीं हो, तो ये होना चाहिए। देन वी हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जैसे घर में भी वही है और स्कूल में भी वही है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, फिल्टर्ड हो तो बहुत अच्छा है। वेस्ट वाटर को मैनेजमेंट के लिए कोई नालियाँ अच्छी बनी हो ताकि वेस्ट वाटर कहाँ जा रहा है। लॉन्स एंड फ्लावर बेड्स, फिर बड़े बड़े लॉन्स हों तो अच्छा है, फ्लावर बेड्स उसमें हों, फूल लगे हों फॉर अट्रैक्टिवनेस, ग्रीन लॉन्स फ्लावर बेड्स फ्रूट ट्रीज अगर जगह हो तो, बाउंड्री वॉल भी बनी हो तो और भी अच्छा लगता है स्कूल, ये सारा कुछ स्कूल में हो। हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, अगर बाहर की गर्ल्स हैं बॉयज हैं उनके लिए हॉस्टल हो तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन अवे फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एट सम डिस्टेंस। एयरी वेल वेंटिलेटेड रूम्स होने चाहिए, उसमें हाइजीनिक किचन होनी चाहिए, अगर खाना बनता है तो वहाँ पर हाइजीनिक होना चाहिए, बाथरूम साफ सुथरे होने चाहिए, डिस्पेंसरी हो वहाँ पर दवाइयों के लिए छोटी मोटी, सिक रूम हो जहाँ बच्चे को लिटा सकें, सिक रूम तो स्कूल के अंदर भी हो सकता है और हॉस्टल में भी हो सकता है, गेस्ट रूम होना चाहिए, कोई पेरेंट्स आ जाएं किसी के ठहरने के लिए तो ठहर जाएं, कॉमन रूम होना चाहिए जहाँ सब मिल करके बच्चे बेशक टीवी देख सकें बेशक बातचीत कर सकें, कॉमन रूम। देन वी हैव प्रोविजन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स को मारने के लिए कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, सो स्प्रिंकल करना चाहिए उनको इन सिंपल इन समर एंड रेनी सीजन। फिनाइल डालनी चाहिए, किसमें बोला, जो डालियां हैं उसमें फिनाइल डालनी चाहिए ताकि वो उसकी बदबू भी ना आए गंदे पानी की और मच्छर आदि हुए मर भी जाए। प्रॉपर स्पेस फॉर पार्किंग के लिए स्पेस होने चाहिए जहाँ बच्चे अपने स्कूटर साइकिल खड़े कर सकें, कार्स खड़ी कर सकें, स्टाफ अपनी अच्छा लगता है सुंदर लगता है फिर वो, अगर प्रॉपर स्पेस होगी तो, नहीं तो इधर उधर खड़ा कर देंगे लोग। प्रॉपर लाइब्रेरी होनी चाहिए, सफिशिएंट बुक्स हों उसके अंदर ऑल सब्जेक्ट्स की, न्यूज़पेपर्स हों, मैगजीन्स हों। फर्स्ट एड रूम होना चाहिए जहाँ बच्चे को लिटा सकें अगर बच्चा एकदम से बीमार हो गया है, उसमें एयर लाइट होनी चाहिए, मेडिसिन हों छोटी मोटी, बैंडेज हो चोट लग जाए छोटी सी तो बैंडेज कर दिया उसको। एक्टिविटी रूम होना चाहिए
जहाँ हॉल टाइप होता है रूम, ये जिसमें वेरियस एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे हाउसेज बनाए हैं स्कूल में, तो डिफरेंट हाउसेज जाकर अपनी अपनी एक्टिविटी कर सकें उसमें, और कोई और भी एक्टिविटी हो सकती है स्टूडेंट्स की, तो उसमें जाके एक्टिविटी रूम उसको कहा जाता है। टीचर भी साथ जा करके कोई एक्टिविटी करवा सकता है जो कि कमरे में नहीं हो सकती, हॉल में ही हो सकती। देन फिजिकल के बाद हम भी हैव इमोशनल एंड मेंटल एनवायरनमेंट। इमोशनल एनवायरनमेंट और मेंटल एनवायरनमेंट ये सबसे जरूरी है। इमोशनली बच्चा साउंड होना चाहिए और मेंटली भी साउंड होना चाहिए। प्रॉपर सोशल एंड मेंटल एनवायरनमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। प्रॉपर ग्रोथ होती है उसमें बच्चे, इसमें क्या होता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन, सिंपथी, टॉलरेंस, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर एंड ओबीडियंस, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो क्या क्या हो सकते हैं, कोऑपरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के समय स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में कोऑपरेशन होनी चाहिए। अब जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ कोऑपरेट करो, डू योर वर्क, ठीक तरह बैठो, हीरो नहीं और तुम फिर भी हिलते रहते हो, तो ये कोऑपरेशन नहीं हुई। मैंने कहा चुप तो चुप हो जाओ, ऐसे आपने कोई क्वेश्चन किया तो आई शुड आंसर, दैट इज कॉल्ड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, अगर नहीं सॉल्व होती है उसमें तो नेक्स्ट डे हो सकती है, या टीचर शुड गो टू द प्रिंसिपल और टू द हायर अथॉरिटी फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। स्टूडेंट मस्ट ओबे द टीचर्स एंड अदर स्टाफ। स्टूडेंट को चाहिए कि स्टाफ का और टीचर्स का कहना माने। स्टाफ में स्कूल क्लर्क है, मान लो उसने कहा लाइन में खड़े हो जाओ, फीस देनी है तो आपने, तो आपको लाइन में खड़े हो जाना चाहिए। टीचर्स एंड स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर। टीचर को भी बच्चों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बच्चों को भी टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट से ही काम चलता है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती है। देन वी हैव इमोशंस ऑफ एनीवन शुड नॉट गेट हर्ट। किसी की इमोशंस को हर्ट नहीं करो, किसी को पर्सनल शब्द ना कहो। मान लो कोई किसी की थोड़ी टांग खराब है तो वह लंगड़े, ऐसा बोलना इज नॉट गुड, ठीक है ना। तो इमोशंस उसकी हर्ट हो जाएंगी। स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व इन वेरियस एक्टिविटीज, डिसीजंस में उनको शामिल करो। एक्टिविटीज में तो होंगे ही शामिल हो, लेकिन डिसीजन जब लेते हैं कि हमने फलां फंक्शन करना है, दो बच्चों को भी बुला लिया जो मॉनिटर हैं क्लास के, उनको बुला लिया कि कैसे कैसे करना है। स्टूडेंट मस्ट बी एनकरेज्ड टू मेक यूज ऑफ लाइब्रेरी, परफॉर्म प्रैक्टिकल्स, डू होमवर्क एंड कीप द स्कूल नीट एंड क्लीन। इसके लिए उनको एनकरेज करना चाहिए।